आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक ही की एक रिमेनिंग पोर्शन है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड था। इसका नाम है जी हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। अब हायर आयनाइजेशन एनर्जीज क्या हैं या इसका क्या मतलब है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एटम है, चलें हम आपकी बुक वाली एग्जांपल को लेकर चलते हैं, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये पहला शेल जिसमें आगे दो, ये दूसरा शेल जिसमें आएंगे आठ, टोटल हो गए 10, और ये तीसरा शेल जिसमें आएंगे अब दो, 1 एंड 2। ये थी जी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया, इसको एनर्जी दी और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कर दिया, तो मेरे पास जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम का एटम था, मैंने जब इसको एनर्जी दी तो ये बन गया मैग्नीशियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया, +1 इलेक्ट्रॉन आउट, और जो एनर्जी मेरी लगी दैट वाज 738 किलो जाउल पर मोल। 738 किलो जाउल पर मोल का मतलब है कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम का 1 मोल हो और उसके तमाम एटम्स उस मोल में मौजूद, तमाम एटम्स का मैं एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो एनर्जी देने के लिए जो मेरा फ्यूल लगेगा, जो एनर्जी मैं उसे दूंगा, दैट वुड बी 738 किलो जाउल 1 मोल के लिए। ये थी आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास अब जो चीज़ बची है वो ये है। अब जो चीज़ मेरे पास रह चुकी है उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो ये है कि पहले में दो, दूसरे में आठ, और अब तीसरे में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक को मैं रिमूव कर चुका, एक मेरे पास मौजूद है और ये मेरे पास है मैग्नीशियम प्लस। अब अगर आप इसको देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को जो मैंने रिमूव किया, जो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया और जो एनर्जी की वैल्यू निकली, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर जो एनर्जी आएगी दैट वुड बी दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो चीज़ मेरे पास पीछे बची है मैग्नीशियम+1, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ और मेरे पास जो चीज़ बचे वो क्या हो, दो और आठ, और मेरे पास जो मैग्नीशियम पहले प्लस था अब ये प्लस प्लस हो जाए, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैं रिमूव कर दूं। तो अब चूंकि मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज दी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास मैग्नीशियम प्लस था, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरे पास मैग्नीशियम प्लस प्लस हो गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और अब जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी वो थी 1450 किलो जाउल पर मोल। तो ये थी जी हायर आयनाइजेशन एनर्जी। हायर आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपकी बुक में वो दे रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अब आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक जो है पहले से हम निकाल चुके हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी हायर आयनाइजेशन एनर्जी, या सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले आपने मैग्नीशियम में से एक निकाला, वो आयनाइजेशन एनर्जी थी, वो थी 758 जो है किलो जाउल, 738 किलो जाउल पर मोल। ये थी मैग्नीशियम +1 की। और जब मैग्नीशियम +2
हुआ तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो हो गई 1450। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारे पास इतनी एनर्जी थी, जब हमने दूसरा किया तो वो उसके ऑलमोस्ट डबल एनर्जी देनी पड़ी, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह आपके पास उसका स्ट्रक्चर है कि जब मेरे पास मैग्नीशियम प्लस वन बना था तो उसकी शक्ल थी 2, 8 और 1। नॉर्मली इसके अंदर दो होते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 है, मतलब इसके प्रोटॉन जो उनसे न्यूक्लियस के अंदर हैं वो 12 हैं। अब न्यूक्लियस चार्ज 12 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11, तो ज़्यादा चार्ज इसको अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, इसीलिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला उसकी एनर्जी देने के लिए हमें 1450 किलो जाउल देने पड़े, जबकि पहले के लिए हमें इसकी आधी एनर्जी इस्तेमाल हुई थी। और इसकी वजह बस यही है कि आपके पास जो है न्यूट्रल एटम की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ज़्यादा करीब खींच लेता है, इसकी वजह से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम प्लस थ्री की तरफ जाऊं, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो मेरे पास एनर्जी जो सी है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला है दैट इज़ दी थर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो एनर्जी आती है मैग्नीशियम के केस में दैट इज़ 7730 किलो जाउल पर मोल। तो आप इसमें देखें कि मैग्नीशियम प्लस वन इज 738 किलो जाउल पर मोल, मैग्नीशियम प्लस टू इज 1450 किलो जाउल पर मोल, वेयर एज मैग्नीशियम प्लस थ्री शोज अ ह्यूज चेंज, यहाँ पे ये डायरेक्ट 7730 किलो जाउल पर मोल पर चली जाती है। अब यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट जो है वो निकलता है कि अगर आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज को कंसीडर करें तो हमारे पास जो चीज़ एक आती है दैट इज़ दी वैलेंसी, हम किसी भी एटम की वैलेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? आपको पता है मैग्नीशियम का भी हमने दो तीन दफ़ा स्ट्रक्चर बनाया, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे देखें पहला निकाला 738, दूसरा निकाला 1450, यहाँ तक कुछ समझ आती है कि ये दोनों इंटर रिलेट हैं, लेकिन जब तीसरा निकाला तो उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया, ये तरतीब से बढ़ रही थी, डबल हो रही थी, तो यहाँ पे 2100 हो जाती, 2200 हो जाती, तो हमें समझ आता कि ट्रेंड ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड जो है एकदम चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज जिसको हम कहते हैं, कि वो सीधा उठ के अब 7730 पे चली गई। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो प्लस टू होती है, मैग्नीशियम अपने बाहर वाले दो शेल ही नॉर्मली देता है, तीसरा शेल तीसरा मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ही नॉर्मली देता है और थर्ड इलेक्ट्रॉन वो देता नहीं है क्योंकि उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ होता है, इसमें दो, इसमें 8 और इसमें 2, ये दो जब वो दे देगा तो ये 8 में इस शेल में 8 पूरे होंगे तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी हमारी इस्तेमाल होती है मैग्नीशियम प्लस थ्री बनाने के लिए। तो यहाँ से हम एक एटम की जो है वैलेंसी को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज हों तो उनका ट्रेंड देख के अगर ड्रास्टिक चेंज है या सफिशिएंट गैप है उन दोनों के दरमियान, यहाँ पे देखें ना 1400 और 7000 में सफिशिएंट गैप है, तो ये गैप हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है इसकी वैलेंसी 2 ही होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो हायर आयनाइजेशन एनर्जी हैं वो वैलेंसी प्रिडिक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आयनाइजेशन एनर्जी से, इसको हम समराइज करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और सेकंड क्या होगी? जब रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी तरह थर्ड। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ इन आयनाइजेशन एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट है बात। और आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि इंक्रीज़ इन
न्यूक्लियर चार्ज। तो ये न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज होता है, एंड दीज आर दी हायर आयनाइजेशन एनर्जी। के पहले के बाद जब मैं दूसरा निकालूंगा, तीसरा निकालूंगा, चौथा निकालूंगा, तो दो आयनाइजेशन एनर्जीज विल बी कॉल्ड एज दी हायर आयनाइजेशन एनर्जीज।